नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन को जो टीचिंग है उसमें दोस्तों मूल्यांकन, ठीक है, और उसकी विधियाँ, मूल्यांकन के उद्देश्य, उसके प्रकार, अर्थ और विशेषता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना बहुत कुछ है, छोटी सी वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और आपके एक सवाल जो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट की वीडियो बनेगी बस। तो दोस्तों, बिल्कुल पूरा रूप से हम समझाएंगे आपको। तो हर एक बार दोस्तों एग्जाम में ये सवाल आता है, तो शुरू करते हैं। हमारा नाम दोस्तों देख सकते हैं, देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जेआर, 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन पर, उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, आकलन और मूल्यांकन, ठीक है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में विषय में सूचना एकत्र करना, उसका ठीक है व्याख्या करना, श्लेषण करना और व्याख्या करना है, ठीक है। मूल्य निर्धारण में छात्र को बताया जाता है कि उसके अंकों के आधार पर सभी छात्रों के मध्य उसका रैंक कहाँ है। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिणाम परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। दोस्तों, अब ये थी थ्योरी, अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवलेशन, ठीक है। तो उद्देश्य है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। दूसरा उद्देश्य है यह जाँचना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यता आदि को कितना ग्रहण किया है, ठीक है। और तीसरा है उद्देश्य है बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना। तीसरा, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। चौथा उद्देश्य है बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। पांचवा उद्देश्य है उसका, इसके अध्ययन और अध्यापन दोनों को मापन कर सकते हैं। छठा उद्देश्य है मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन करना होता है, ठीक है। दोस्तों, समझना आसानी से। अब मूल्यांकन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना, इसका महत्व है मूल्यांकन का, ठीक है। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है, शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। दोस्तों, ये है मूल्यांकन का महत्व। अब है मूल्यांकन प्रक्रिया या मूल्यांकन के पद, यानी कि स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला है मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन व निर्धारण। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषण व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, ठीक है। और उसके बाद में मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। लास्ट में परिणामों की व्याख्या सामान्यकरण करना। दोस्तों, ये क्या होगा, मूल्यांकन प्रक्रिया या मूल्यांकन के पद होते हैं ये। अब मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो पहले ये जो प्रकृति है वो है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली, ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध शिक्षक के उद्देश्य से होता है। यह बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाव एकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। और प्रकृति जो होती है लास्ट में चौथी, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आराम से समझना इस बात को, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। अब देखते हैं मूल्यांकन के गुण, ठीक है।
सबसे पहले गुण होता है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों उपकरणों को वैध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव न हो, दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान हो, समान रहे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं दोस्तों विश्वसनीय नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, उत्तर के लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती है। व्यापकता, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात गहराई में मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। उपयोगिता, दोस्तों मूल्यांकन के गुण जो हैं वो गुण चल रहे हैं उपयोगिता या यूजफुलनेस। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के उपयोगी होता है, यह व्यावहारिक होता है तो प्रशिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। विभेदीकरण, डिफ्रेंटेशन, ठीक है। मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है, पहला प्रकार है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक संकलनात्मक अंतिम मूल्यांकन, और चौथा है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अध्यापक प्रातः समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में किया जाता है, दोस्तों समझ इस बात को, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है पाठ के बीच बीच में किया जाता है कि बच्चे जैसे पूछते हैं भाई कि बच्चे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दोस्तों ये जो होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने के बाद यह देखता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है। उदाहरण, किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है कि वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है, वह जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों के असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों यानी कि मास्टर ने, टीचर ने पाठ पढ़ा दिया या कोई, ठीक है, कोई लेसन पढ़ा दिया और बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो पूछता है क्या कारण है, क्यों नहीं समझ में आया, उसको बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। अब दोस्तों मूल्यांकन की विधियाँ देखते हैं, टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन। तो पहला है मनोवैज्ञानिक विधियाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट। यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत मापक होता है। साक्षात्कार, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करता है। उदाहरण, एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पादन की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। तीसरा है व्यक्ति अध्ययन या व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन, ठीक है। इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। दोस्तों व्यक्ति अध्ययन जो है केस स्टडी, इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण है विधियाँ जो है प्रेक्षण विधि। इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है। पांचवी विधि है आत्म प्रतिवेदन, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट।
इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचना प्रदान करता है। छठी विधि है संचित अभिलेख पत्र या कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। यह संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। उदाहरण, बच्चों को का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। दूसरे शब्दों में बच्चों का सर्वांगीण अभिलेख तैयार करना। घटना व्रत यानी कि एनएस डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उन घटनाओं में किस छात्र की क्या उपलब्धि हुई, उस बात का विवरण बच्चों की भाषागत उपलब्धियों को मापने में सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर किसी प्रतिस्पर्धा या घटना में अभिलेख तैयार करना। क्या सभी बच्चे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य बना सकते हैं, इसका अभिलेख तैयार करना। मूल्यांकन की आठवीं जो पद्धति है दोस्तों, विधि है, वह निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धियों को इस तरह जांचना कि वह किस तरह स्तर की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ग्रेड देना, ठीक है, ग्रेड देना दोस्तों निर्धारण मापनी का, रेटिंग या ग्रेड। उसके बाद में पोर्टफोलियो। समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह। ये रोजमर्रा के काम भी कर हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थी के कार्यों के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों के भाषा विकास, कार्मिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना। अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रतिमान यानी कि पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। पहला है अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन। अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम खाना बनाते समय अगर बीच में ही चखते हैं तो हम खाने की जांच कर रहे हैं, हमने कैसा खाना बनाना सीखा है, ठीक है। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन का पर आधारित होता है। अर्थात हम काम को ख़त्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। उदाहरण, जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापस आने पर प्रश्न करता है कि वह जांच रहा है कि बच्चों ने वहाँ क्या क्या सीखा, परंतु इसमें काम के बीच में न करके अंत में मूल्यांकन किया जाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में है आकलन या अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन पर निर्धारित होता है। छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं। दोस्तों ये था आज का पूरा मूल्यांकन का ये टॉपिक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे इस टॉपिक पर? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।